ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, गुस्सा भी थी कि आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग. जब भी ऐसा लगता है ना कि कुछ अच्छा होने जा रहा है. Hi everyone, it's Shalini. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. Welcome to second outfit from scratch video. जो पहला मैंने outfit from scratch किया था वो मैंने भोपाल में किया था. I made हल्दी outfit from scratch for Pallavi's wedding. उस वीडियो को एक साल almost होने को आ गया है. And today's outfit from scratch is very special for two reasons. I'm making this in Mumbai, जहाँ मैं रह रही हूँ, renting a flat here in Mumbai. Secondly, I'm making this for Diwali. So यहाँ से outfit बन के जाएगा भोपाल, क्योंकि मैं celebrate करने वाली दिवाली घर पे भोपाल में. It's quite early in the morning. I need to leave my house by 11:30-12 max, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ मंगलदास मार्केट, जो कि मेरे घर से करीबन 2 घंटे लग जाएगा पहुंचने के लिए. लोकल से हम लोग ट्रैवल करने वाले. I'll be meeting my manager. तो जल्दी से रेडी होते क्विकली, लेट्स डू माय मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. साथ साथ मैं आपको आउटफिट भी डिस्कस करूंगी, क्या मेरा विजन है आउटफिट को लेके. एंड वी ऑल्सो हैव स्पॉन्सर फॉर टुडेज वीडियो. टुडेज वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय निविया. आप लोग ने मुझे इस ब्रांड की बॉडी वॉश और बॉडी लोशन यूज करते हुए काफी देखा होगा. सो सबसे पहले फेस को वॉश करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ निविया मिल्क डिलाइट फेस वॉश इन रोज. दिस इज ग्रेट फॉर सेंसिटिव स्किन. I have been using this face wash for quite some time now. It really suits my skin. Especially jo Mumbai ka weather hai na, it does not suit my skin. So I have kept my morning skincare routine pretty simple, like gentle sa face wash like this one. So I'm just gonna massage this all over my face. Iska formula mujhe kafi zyada pasand aaya hai. Bahut acche se skin ko cleanse kar deta hai. And it does not strip off skin's natural moisture. Ek minute tak massage karne ke baad I'm gonna rinse this off and you can see that there is this healthy glow which is maintained on my skin. My skin also feels moisturized. It's a really good gentle cleanser. Ekdam refresh kar deta hai मेरे फेस को. जैसे दिस वन इज फॉर सेंसिटिव स्किन, इसका नॉर्मल एंड ऑयली स्किन के लिए भी अवेलेबल है वेरिएंट. अगर आप इस पे इंटरेस्टेड हो, आई एम गोना प्रोवाइड लिंक फॉर इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन गो चेक इट आउट. ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माय फेस. सो मेरे दिमाग में जो विजन है वो पिंटरेस्ट से इंस्पायर्ड विजन है. आई वॉन्ट शॉर्ट डीप बैक डोरी स्टाइल वाला कुर्ता, जिसके पीछे डोरी स्टाइल होना चाहिए, एकदम लोअर बैक तक आना चाहिए वो डीप बैक. और कुर्ता मैं प्रॉब्ली इधर तक रखूंगी या फिर फुल लेंथ. एंड आई वॉन्ट द कुर्ता का फैब्रिक समथिंग इन मिरर वर्क. नाउ कमिंग टू द पैंट्स, मैं चाहती हूँ प्लाजो पैंट्स बनवाना. अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं शरारा बनाऊं या घरारा बनाऊं. सो मैंने ना ऑलरेडी एक बार घरारा बनाया हुआ है. आई रियली फील कि घरारा मुझे सूट करता है, बट दिस टाइम वी आर गोना गो फॉर शरारा. सो कली वाला जो शरारा होता है ना, ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा घेर चाहती हूँ. ऑलमोस्ट लगना चाहिए कि मैंने स्कर्ट पहन के रखा हुआ है. बहुत सुंदर लगेगा वो. आई नो बहुत ज्यादा फैब्रिक भी लगेगा उसमें, बट इट्स फाइन. और अच्छा खासा सनस्क्रीन भी लगा लेते हैं हम. मैंने कितना सारा लिया है. सो दिस इज माई विजन फॉर द आउटफिट. मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ, क्योंकि इट्स अ ब्रांड न्यू मार्केट ऑल टुगेदर फॉर मी. थैंक गॉड मेरी मैनेजर मेरे साथ रहेगी, तो मुझे अकेले घूमना नहीं पड़ेगा. सुप्रिया मेरे साथ जा सकती थी, बट उसका आज ऑफिस है गाइस, सो शी कैन नॉट come with me. Okay, skincare is done. I'm gonna quickly do my makeup off camera. My manager is calling me. I'm also gonna show you what I'm wearing and then we are gonna head out. Outfit भी एकदम casual रखा है मैंने. I want to feel comfortable क्योंकि काफी चलना रहेगा. तो ये वाला jeans पहन रही हूँ और ये वाला चिकनकारी कुर्ता. Go with this कुर्ता. I'll be wearing these earrings. ये मैंने सुप्रिया को gift किए थे, तभी मैं उससे मांग के लेके आई. These are filigree art earrings from Odisha. I am ready. सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको पता करना है कि हमको फैब्रिक कितना चाहिए और कौन सा फैब्रिक चाहिए, क्योंकि जो पैंट्स है, जो प्लाजोज हैं, उसमें मुझे बहुत अच्छा सा फ्लो चाहिए. फ्लो किस पे डिपेंड करेगा, फैब्रिक पे डिपेंड करेगा. सो इसलिए मैं बुटीक पे जाऊंगी. हम लोग फैब्रिक के बारे में थोड़ा सा पता करेंगे उनसे और कितना मीटर फैब्रिक चाहिए वो पता करेंगे, एंड देन वी विल गो टू द मार्केट. A little longer than a few minutes later. Okay guys, so मैंने फैब्रिक का आइडिया ले लिया है. Now we are going to go to मंगलदास मार्केट. पहले मैं गोरेगांव जाऊंगी स्टेशन, वहां से मैं अपनी मैनेजर के साथ मंगलदास मार्केट जाऊंगी, एंड देन वी विल लुक फॉर फैब्रिक. गाइस, मीट माय मैनेजर वर्षा. हाँ, दे रहा है, माइक लगा हुआ है. अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग सीएसटी जा रहे हैं. 15 मिनट लगेंगे अभी ट्रेन आने में, क्योंकि मैं भूल गई थी टिकट लेना. गोरेगांव स्टेशन से हमें सीएसटी जाना था. 1 घंटा हमें लगने वाला था सीएसटी उतरने के बाद. बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देखा सीएसटी का. उसके बाद हम लोग ने कैब लिया. कैब से हम लोग पहुंचे क्रॉफर्ड मार्केट. उसके आगे है मंगलदास मार्केट. भीड़ देखो. ओके गाइस, वी रीच द मार्केट. बहुत भीड़ है आज, इट्स फ्राइडे टुडे, बट वी आर गोना गो इनसाइड एंड चेक क्लोथिंग पीस. प्लाजो कुर्ता और दुपट्टे के लिए हमको लेना. कलर ऐसे कुछ डिसाइड किया नहीं है मैंने, वहीं जाके कलर चेक करूंगी. लेट्स गो. मार्केट वाज डेफिनेटली क्राउडेड एंड इट वाज ओवरवेलमिंग फॉर मी. हम लोग ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक मटेरियल्स देखे. मेरे पास एक विजन था कि मुझे कुछ मिरर वर्क का ही देखना है. आई रियली लाइक दिस ब्लू कलर का फैब्रिक, बट इतना कुछ पसंद नहीं आ रहा था कि मैं ले ही लूँ, बट इट वॉज नाइस. उसके बाद वी वेंट टू दिस शॉप बॉम्बे ब्यूटी. यहाँ पे मिरर वर्क का बहुत कुछ मिला हमें. It looks nice. We will have to do ये ऐसा लेना पड़ेगा ना, इसको स्ट्रेट. This
दिस वन लुक्स वेरी गुड ऑन योर स्किन टोन बट दिस इज कॉम्प्लीमेंटिंग इट ऑल्सो I still choose this one. So we got this fabric for the kurta. I really like it. Even Varsha approves. Varsha. So ये हमारा हो गया. इसका अस्तर भी हम लोग ने ले लिया. Plazo के लिए we have this fabric. This is crepe satin. This is the image for the plazo. Okay guys. ऐसा फ्लो इसमें आ सकता है. I'm not quite sure. तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम वाइट जॉर्जेट कपड़ा लें, इसको डाई करवाएं. एंड डाई में भी अब समय लगेगा. इवन भैया इज नॉट श्योर कि वो समय पे दे पाएंगे कि नहीं. अभी हमको इसके लिए वो भी लेना है. वर्षा लटकन पीछे. Varsha is so tired. She is done. We got the kurta fabric, plazo ka fabric also. Wo dye hoga. Ab hum dupatte ka fabric dekh rahe hain. Dekhte hain dye wala lenge ya fir bana bana mil jao to wo bhi acha ho jayega hamare liye. We found a organza dupatta, but I think it is not going well. Acha khasa dye bhi kara hua dupatta hai. Alag alag mirror work ho gaya actually uska. Kitne ka hai waise ye dada? 800. Agar wo match hota to 800 mein kaam ho jata. We are at another shop. This dupatta we found. इसको हम dye करवा सकते हैं. ये अच्छा लग रहा है, you know, as a dupatta as it is, ये बहुत सुंदर है. But इसके साथ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि हमारा जो plazo है ना, वो plain है. ये कितना रुपए मीटर है? We are getting this fabric. Varsha approves. She is very tired. I am also very tired. But so far we are happy with everything. Guys, we are in Bhuleshwar market right now. Lace के लिए और लटकन के लिए जो मुझे suit में लगाना है. वो ढूंढने के लिए हम लोग निकले. शाम हो चुकी है. ओह सो टायर्ड. बहुत घूमने के बाद वी फाउंड अ शॉप. इतनी भीड़ है. दिस इज भुलेश्वर मार्केट गाइस. जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ भीड़. 80 रुपए जोड़ी है ये. आई थिंक इट विल गो. सी व्हिच आर द गुड पीसेस. वी आर टेकिंग दिस वन गाइस. वी आर टेकिंग फोर ऑफ दैट. ओके अभी मैं बैठी हुई हूँ लोकल में, सीएसटी में. मेरे साथ वर्षा अभी भी है. हमारी शॉपिंग हो चुकी है फॉर दी फैब्रिक. पहले हम लोग मंगलदास गए थे, फिर हम लोग भुलेश्वर गए थे. काफी समय लग गया, बट वी गॉट दी फैब्रिक दैट वी वांटेड. 3 days later. दुपट्टा और प्लाजो डाई के लिए दिया था, वो अब फाइनली आ चुका है. उन्होंने 3 से 4 दिन लिए डाई होने के लिए. उसके बाद मुझे वी फास्ट कराना पड़ा मंगलदास मार्केट से मेरे घर तक. सो 350 रुपए उसके लगे. पता है रात की 12:30 बजे वो मुझे देख के गए. ये हमारा कुर्ता, ये कुर्ते का इनर और प्लाजो का इनर, और ये हमारा दुपट्टा अच्छे से डाई होके आया है, परफेक्ट कलर. एंड ये हमारा प्लाजो. सो लेट्स गो टू द बुटीक और इसको सिलवाने के लिए देते हैं. बुटीक पहुंचने के बाद मैंने उन्हें अच्छे से डिजाइन एक्सप्लेन किया. देन वी स्टार्ट दी मेजरमेंट. देयर वाज सम डिबेट गोइंग ऑन कि मुझे कुर्ते का जो नेक लाइन है वो कितना रखना चाहिए. आई वांटेड डीपर बट दे वर नॉट एग्रीइंग. उन्होंने बोला नहीं, कम कम रखो. नहीं उतना तो मतलब इतना लो इतना पोटिंग है. एनीवे कुर्ता और शरारा पैंट्स के मेजरमेंट लेने के बाद वी डिस्कस द कॉस्टिंग एंड देन इट वाज टाइम टू वेट फॉर द आउटफिट टू गेट स्टिच्ड. सेवरल डेज लेटर आज मैं जा रही हूँ फर्स्ट फिटिंग के लिए, ट्रायल के लिए बेसिकली. बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और नर्वस भी हूँ मैं. दिस इज माई ड्रेस. हम लोग फर्स्ट ट्रायल करेंगे अभी. इसका डीप नहीं है. डीप इट्स नॉट डीप इनफ ना. जैसे मैंने सूट का फर्स्ट ट्रायल लिया, मैंने बहुत ज़्यादा अपसेट थी बिकॉज इट वॉज नथिंग लाइक वट आई हैड इमेजिन. और मैंने जो उनको विजन बताया था अपना, बैग को उन्होंने बिल्कुल डीप नहीं रखा था, कुर्ता बहुत लूज था, प्लाजो में फ्लेयर नहीं था. देर वर सो मेनी करेक्शंस दैट वॉज नीडेड टू बी डन. ओके आई ट्राइड इट. वी नीड टू डू सो मेनी चेंजेस इन दिस. ये जो ये है ना, ये बहुत ज्यादा लूज है. अब देख रहे हो ये ऐसी वाली फिटिंग नहीं आ रही है इसकी. बहुत टाइट हो जाएगा ना. कहाँ से लूज है बताओ. जो बैग है, बैग जो है यहाँ तक चाहिए. डीप चाहिए और डीप यू भी चाहिए. वो ये जो गला है ना दी, मेरे को बोली थी ना, आई नीड मोर डीप. इसको और डीप करवाओ. और डीप करना पड़ेगा. कहाँ तक आप बताओ. यहाँ तक आना चाहिए. और ना ये थोड़ा अनइवन सा भी है इसका गला, क्योंकि वर्क है ना, कहीं आ रहा है वर्क, कहीं नहीं, नहीं आ रहा है. अनइवन सा बोले तो मतलब जो यू शेप कटा है ना, वो अनइवन कटा है ये. और ये स्लीव्स भी बहुत, देखो ये देख रहे हो आप कितना लूज है. हां और डीप है. हां मैंने बोला है ना उसको, बताया ना. ब्रॉडर भी होगा ये इतना यहां तक पूरा ही समझ. हां मैंने बताया, सब बताया. इतना इतना 2-2 इंच इधर इधर से ब्रॉड. गाइज एम बैक होम. घर आने के बाद मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, गुस्सा भी थी कि आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग. जब भी ऐसा लगता है ना कि कुछ अच्छा होने जा रहा है, फिर कुछ बुरा हो जाता है. देन आई फील सो सैड एंड सो बैड.
मतलब मैं फिर सुप्रिया को बैठ के एक्सप्लेन कर रही थी कि क्या क्या तो उन्होंने खराब किया है कुर्ता और प्लाजो दोनों, एंड जितने चेंजेस मैं भी बता के आई हूँ ना उनको कुर्ते के लिए, इट इज इक्विवेलेंट टू कि कुर्ता फिर से स्टिच हो रहा है बेसिकली, फिटिंग सही नहीं है, प्रॉपर जो डार्ट्स थे वो उन्होंने नहीं डाले हैं, इसकी वजह से कुर्ता एकदम स्ट्रेट फिट दिख रहा है, डीप नहीं रखा, मैंने उनको बोला था कि डीप रखना है, मैंने इमेजेस दिए थे, दैट्स वन थिंग, प्लाजो का लेंथ इतना छोटा है एंड प्लाजो में फ्लेयर बिल्कुल नहीं है, इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट पैंट इटसेल्फ। नाउ व्हेन आई टोल्ड देम दिस दे वर लाइक कि नो आपने ऐसे बताया था, मैंने कहा कि मैंने अपना विजन बताया था, आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, व्हाट कपड़ा डू यू नीड, ऑल्सो कितना चाहिए कपड़ा, कितना मीटर चाहिए, क्या हम इसको प्लाजो जैसा बना सकते हैं या हम शरारा बनाए घरारा बनाए, वो मैंने ऑप्शंस मैंने उनसे मांगे। ऐसा होता है कि यू शेयर योर विजन बिकॉज आई डोंट नो लॉट अबाउट कपड़ा से लेके स्टिचिंग के बारे में, इतना आइडिया नहीं है मुझे, बट आई हैव अ विजन कि हमको ऐसा बनाना है, तो यू टेल मी कौन सा कपड़ा मुझे खरीदना है। दिस वाज सच अ डिजास्टर। आज मैंने उनको आज का समय दिया है कि आप बता दो ये सब चेंजेस हो सकते हैं, तो अभी ये सिचुएशन है कि मैंने उनको बोला यू आस्क योर टेलर व्हाट ही कैन डू, और अगर उसे नहीं होता है देन आई एम गोना टेक अवे माय क्लोथ्स एंड हम प्लाजो के लिए नया कपड़ा लेंगे और ये सब हम फिनिशिंग उसके भोपाल में करवाएंगे। या दैट्स द सिचुएशन करेंटली। 2 डेज लेटर दिस इज द सेकंड फिटिंग दैट आई एम डूइंग। मैं अभी कपड़ा लेके आई, कल तो मैं जा रही हूँ भोपाल, एंड सो मेनी मिस्टेक्स इट हैज। नंबर वन, देख रहे हो आप ये कितना टाइट है, लुक एट दिस। मैंने बोला था नाप ले लो और उस हिसाब से उन्होंने किया नहीं है, सो आई विल हैव टू फिक्स दिस। लूज करवाया मैंने अभी, वहाँ पे पहन के भी देखा था मैंने उनके शॉप पे, फिर भी ये टाइट लग रहा है मुझे। आई एम नॉट वेयरिंग ब्रा, ब्रा पहनने के बाद थोड़ा और यहाँ पे फिटिंग आएगी। ये वाला जो बैक है, ये जो बैक टाइट करने के बाद कितना लूज लग रहा है ना, ये इट इज नॉट लुकिंग गुड, सो ईदर दे शुड हैव एडेड इलास्टिक और समथिंग लाइक दैट बिकॉज़ इट लुक्स सो वियर्ड। व्हाट इज दिस, दीस पैंट्स, इसकी फिनिशिंग अंदर से देखो कितने बेकार लग रही है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही मुझे ये, एंड इसमें उतना तो फ्लेयर है ही नहीं जितना मुझे फ्लेयर चाहिए था। एटलीस्ट 4.5-5 meter का कपड़ा लगता तब जाके वो फ्लेयर आ पाता। दे ऑल्सो टोल्ड मी कि दे यूज द कपड़ा फॉर दिस दैट आई गेव देम पीछे डोरी ऐड करने के लिए, सो वो मुझे बता दे तो मैं और एक्स्ट्रा कपड़ा ले आती ना। कम्युनिकेशन गैप और पता नहीं क्या क्या गैप के चक्कर में ये बन नहीं पाया। मैं दुपट्टा भी उठा के ले आई, दुपट्टे में भी लेस लगेगा। वी हैव सो मच टू डू एंड सो मच लेस टाइम। आई विल हैव टू फिक्स दिस आफ्टर गोइंग टू भोपाल गाइस। द नेक्स्ट डे आई एम बैक होम इन भोपाल, घर आके काफी अच्छा लग रहा है। सुबह पहुंची थी मैं और शाम को ही रेडी हो चुकी क्योंकि अब मुझे निकलना है आउटफिट को सुधारने का प्रोसेस शुरू करने के लिए। तो जो पैंट्स हैं, जो शरारा है वो दोबारा बनने का, उसके लिए हमें ज्यादा कपड़ा भी लगेगा। सो पैंट्स का फैब्रिक उसे डाई करने के लिए देना पड़ेगा, देन दुपट्टे का लेस खरीदना है मुझे, एंड थोड़ा सा कुर्ता भी सुधारना है। ये तीनों मेन चीजें, और मैं इस बार ना ऐसी जगह स्टिचिंग के लिए देने वाली हूँ जहाँ पे मुझे ऑलरेडी उनके स्टिचिंग का आइडिया है, जीवा डिजाइनर स्टूडियो में। इनकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू रेगुलर टेलर्स बिकॉज दिस इज अ डिजाइनर स्टूडियो, और दिवाली को सिर्फ 4 दिन रह गए गाइस, सो आई डोंट वांट टू टेक रिस्क एट ऑल। लेट्स गो। आई एम मेड इट टू द शॉप, अभी वो लेने के लिए गए जॉर्जेट का फैब्रिक 220 रुपए मीटर डाई करने के बाद ना, नॉन डायवल 180। यहाँ पे जॉर्जेट का रेट सस्ता है मुंबई से, और इनफैक्ट इनर रेट इज आल्सो सस्ता। एंड नाउ वी विल गेट लेस फ्रॉम हियर, दीज आर फ्यू ऑप्शंस। ये बहुत बड़ा है, मुझे थोड़ा पतला चाहिए, ये भी बहुत बड़ा है, अच्छा नहीं लगेगा इसके ऊपर। ओह दिस माइट गो विद दिस, भैया ये वाला निकालो ना। और दीज लेस फॉर द दुपट्टा और ये बटकन कॉर्नर में लगाने के लिए। The next day. We got the fabric for the plazo, we got the lace for the dupatta, और अब हमें कुर्ता भी थोड़ा सा सही कराना है और पीछे लटकन लगवाना है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू जीवा डिजाइनर स्टूडियो। ओके, कपड़ा मैंने उठा लिया है, गीला कपड़ा दिया उन्होंने मुझे, एंड आई रीच जीवा डिजाइनर स्टूडियो। हाय मुस्कान। सो मुस्कान हेल्प मी आउट, उन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसा कुछ बना सकते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, फ्लेयर आएगा, एंड दैट इज व्हाट आई वांट। घाघरा वाला लुक चाहिए मुझे नीचे से। 6 meter कपड़ा लेके आई हूँ एंड शी सेइंग कि हो जाएगा, बन जाएगा, सो नाउ वी आर गोना टेक मेजरमेंट्स। आज छोटी दिवाली है एंड आर आउटफिट इज रेडी, वी जस्ट नीड टू लाइक टू फाइनल ट्रायल, लेट्स गो टू जीवा डिजाइनर स्टूडियो। मैं जीवा पहुंच चुकी हूँ, पहले तो पैंट्स दिखा देती हूँ। दीज आर आर घरारा पैंट्स, बहुत ही अच्छा बना है ये, एकदम फ्लेयर जैसा हम लोग को चाहिए था ना लहंगे वाला, वैसे ही फ्लेयर है इसका, डबल लेयर लगाया है इसका, बहुत ही सुंदर है ये। और कुर्ता भी एकदम सही हो गया है, दिस इज इनसाइड आउट। उन्होंने यहाँ पे 2 darts और ऐड कर दिए जिसकी वजह से फिटिंग एकदम परफेक्ट होगी, कोई इलास्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी पीछे। नाउ लेट्स डू प्रॉपर मेकअप, ज्वेलरी एंड वेयर दिस आउटफिट एंड डू द फाइनल रिवील फॉर द आउटफिट।
फाइनली मेड दिस आउटफिट वन ब्रेकडाउन मल्टीपल ट्रायल्स, कहाँ मुंबई से शुरू किया था कहाँ भोपाल में ये आउटफिट खत्म हो रहा है। करीबन 15 दिन लग गए इस आउटफिट को बनाने में, हमको दोबारा फैब्रिक खरीदना पड़ा, दो डिफरेंट टेलर्स ने स्टिच किया इस आउटफिट को, बट वी फाइनली मेड दिस आउटफिट पॉसिबल। आई लव एवरीथिंग अबाउट दिस आउटफिट। कुर्ते की बात करें, आई लव द फैब्रिक, इसका मिरर वर्क कितना ज्यादा खूबसूरत है, मैंने इसे डीप नेक यू नेक रखा है। आई लव टू एलिवेट माई नेक लाइन, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड। पीछे बैकलेस रखा है, डोरी वाला बैकलेस स्टाइल, डोरी की वजह से ना आई कैन एडजस्ट इट द वे आई वॉन्ट टू, कमर कस सकती हूँ मैं डोरी की वजह से, और एकदम फिगर हगिंग आउटफिट में इसे बना सकती हूँ। और ये कलर भी कितना मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, आई रियली लाइक दिस कलर। अगर पैंट्स की बात करूँ तो शरारा पैंट्स में बनाना चाहती थी, दैट वॉज द ओरिजिनल विजन फॉर द आउटफिट। कोई बात नहीं, ये डबल लेयर घरारा भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ा इस डबल लेयर घरारा के लिए और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा, बट द फ्लेयर इज सो ब्यूटिफुल। नाउ कमिंग टू दुपट्टा, दुपट्टा कितना ज्यादा सुंदर है, एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है हमारे आउटफिट के साथ। छोटे छोटे से इसमें बूंदे हैं मिरर वर्क के, द लेस इज सो स्टनिंग, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट, एक्चुअली द एंटायर आउटफिट रिफ्लेक्ट्स लाइट। एंड दिवाली इज ऑल अबाउट फेस्टिवल ऑफ लाइट, सो ये रात में एकदम जगमग जगमग करने वाला है ये आउटफिट। मैंने जो क्लिप्स लिए हैं, कुछ रात वाले क्लिप्स भी लिए हैं, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है व्हेन द लाइट हिट्स द आउटफिट। नाउ लेट्स जस्ट ब्रेक डाउन द कॉस्टिंग ऑफ द आउटफिट। मैं वो वाला कॉस्टिंग इंक्लूड नहीं करूंगी जो मैं डिस्कार्ड कर दिया, जो प्लाजो इसके लिए ओरिजिनली मैंने प्लान किया था। कुर्ता का फैब्रिक मैंने लिया 2.5 मीटर और 750 रुपीस पर मीटर था ये, सो 1875 इसका कॉस्ट पड़ गया। क्रेप जो अस्तर लगा है कुर्ते के अंदर वो मैंने 2 मीटर लिया, प्लस डाई का कॉस्ट उन्होंने अलग से लिया, तो वो मुझे 325 रुपीस पड़ा। और दुपट्टा मैंने 3.5 मीटर का लिया, वो मुझे 1000 रुपए का पड़ा डाई के साथ। सो ये सारे फैब्रिक्स मैंने मंगलदास मार्केट से खरीदे। मैं बताती हूँ कि मैंने भोपाल के मार्केट से क्या फैब्रिक खरीदा। जो प्लेन जॉर्जेट मैंने घरारा के लिए खरीदा उसको मैंने डाई कराने के लिए भी दिया, वो 6.5 मीटर का मैंने खरीदा, प्लस क्रेप अस्तर मैंने खरीदा घरारा के लिए वो 3 मीटर का मैंने खरीदा, तो दोनों मिला के मुझे पड़ गए 2000 रुपीस। आई ऑल्सो बॉट लटकन फॉर दी कुर्ता, जो पीछे आप लोग देख सकते हो डोरी में लगा हुआ है, वो मुझे पड़ा था 60 रुपीस का पेयर। और ये जो दुपट्टे में लेस लगा है वो मैंने 6 मीटर के आसपास खरीदा, 30 रुपीस पर मीटर था, तो 180 रुपीस मुझे ये पड़ा। और कॉर्नर्स में जो ये छोटे छोटे क्यूट से लटकन लगे हैं ये मुझे 40 रुपीस का पेयर पड़ा, तो मैंने दो पेयर लिए, 80 रुपीस हो गए। सो कुर्ता ओरिजिनली बना है मुंबई में, जो उसका स्टिचिंग चार्ज था वो मैंने 1000 रुपीस पे किया, और जो भी इसमें 19-20 करेक्शन मैंने करवाया वो मैंने जीवा डिजाइनर स्टूडियो से करवाया, उन्होंने मुझसे कोई चार्ज नहीं लिया उसका, उन्होंने आर्म होल भी लूज किया। आई एम रियली हैप्पी दैट शी डिड दैट, शी अंडरस्टूड द असाइनमेंट बेसिकली। और जो घरारा बनाने का कॉस्टिंग है वो 2200 रुपीस लिया, एंड द फिट इज सो बॉम, लाइक एक बार में सब सही हो गया, एंड दैट इज व्हाट आई रियली वांटेड फॉर द सूट, यू नो, कि एक बार में वो मेरा असाइनमेंट समझ जाए और वो आउटफिट मुझे बना के दे दे। पर होता रहता है, यू नो, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है, और वो मेरे साथ हुई। इस वीडियो की स्टार्टिंग में आई वाज सो एक्साइटेड, फिर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गई, फिर मैं अपसेट हो गई थी। देयर वर सो मेनी रॉन्ग थिंग्स व्हिच वाज हैपनिंग इन माय लाइफ, एंड दिस आउटफिट नॉट गेटिंग स्टिच वेल, इट जस्ट एडेड टू दैट। आपने क्लिप देखा होगा ना, आई वाज वेरी सैड, मैं उसकी बात कर रही हूँ, बट आई एम टोटली फाइन नाउ। आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप दिस वीडियो वेरी रॉ, अनफिल्टर्ड एंड रियल। जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की वो मैं आपको बता सकूं, ताकि अगर आप ऐसा डीप बैक डोरी वाला आउटफिट बनाओ तो आपको पता रहे कि क्या क्या आपके टेलर को आपको समझाना है। सो द टोटल कॉस्टिंग फॉर दिस आउटफिट इज, आर यू गाइस रेडी, 8720 रुपीज। नाउ बिकॉज आई एम अ बिग गर्ल, मेरे पे फैब्रिक ज्यादा लगता है, इसकी वजह से कॉस्टिंग वहां पे भी और बढ़ जाती है। बट आई ऑल्सो फील सिटी टू सिटी, टेलर टू टेलर फर्क पड़ जाता है कितना कहाँ पे क्या कॉस्ट चल रहा है। डेफिनेटली आपकी सिटी में हो सकता है आपको कम प्राइस देना पड़े, या फिर फैब्रिक का कॉस्ट आप वहां पे बचा सकते हो। मैंने बहुत कोशिश की पैसे बचाने की, पर वो हो नहीं पाया गाइस। बट एनीवे, आई एम सो हैप्पी विद द फाइनल रिजल्ट, दिस वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड अ इमोशनल रोलर कोस्टर राइड एज वेल। बट कोई बात नहीं, इसी को जिंदगी कहते हैं, अच्छी चीजें भी होती है बुरी चीजें भी होती है। एंड नाउ दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो, आई विश यू ऑल एंड योर फैमिली हैप्पी दिवाली। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये आउटफिट कैसा लगा, एंड आई एम गोना सी यू गाइस प्रीटी सून विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट ऑन माय चैनल। बाय एवरीवन, टेक केयर।